बात करते हैं बिहार की। एनडीए में दरार के लिए सारे विपक्षी दल उसी दिन से इंतजार कर रहे हैं जब से 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं। लेकिन अब बात इंतजार से आगे बढ़ चुकी है, अब नए नए कार्ड चले जा रहे हैं। ऐसा ये कार्ड आज आरजेडी ने बिहार में चला। उसने चिराग पासवान को सावधान किया कि बीजेपी उनकी पार्टी के सांसदों को तोड़ने वाली है। इस पर एलजेपीआर ने तीखा पलटवार किया, लेकिन बात इतनी ही नहीं, विपक्ष का दांव कहीं ज्यादा गहरा। जैसे जैसे संगीत की धुन तेज होती गई, हाथों में डांडिया स्टिक थामे चिराग पासवान की थिरकन भी बढ़ती चली गई। हाजीपुर के बालदास मठ में कृष्ण भक्तों से घिरे चिराग इधर डांडिया नाइट में बिजी हुए, उधर उनकी पार्टी के भविष्य को लेकर सवाल उठाए जाने लगे। सवाल ये कि क्या रामविलास पासवान की पार्टी में टूट से बनी चिराग पासवान की पार्टी एक बार फिर टूटने वाली है। इस सवाल का जन्म स्थान है पाटलिपुत्र और जन्मदाता है लालू यादव और तेजस्वी की पार्टी आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन। जो तीन सांसद हैं इनके, वो भी बीजेपी के संपर्क में हैं, तो हमको लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी छोटी मछली को हमेशा अटैक कर करके अपने में समाहित कर लेता है, उसी तरीके से ये चिराग जी के तीन सांसद को भी अपने पार्टी में समाहित करने का काम कर रही है। खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते रहे चिराग पासवान की पार्टी को लेकर आरजेडी का ये दावा आया तो हलचल तेज हो गई। सफाई देने के लिए चिराग के बहनोई और जमुई सीट से एलजेपीआर के सांसद अरुण भारती सामने आए। राष्ट्रीय जनता दल द्वारा हमारी पार्टी और एनडीए के बीच भ्रम फैलाने की कई कोशिशें की गई हैं। ये कोशिशें केवल हमारे गठबंधन को कमजोर करने और अपनी डूबती हुई नैया अपने राजनीतिक स्वार्थों को साधने के लिए की जा रही हैं। अरुण भारती बोले कि आरजेडी भ्रम फैला रही है, लेकिन इस पर चिराग पासवान की पार्टी की सांसद शांभवी चौधरी और वीणा सिंह पूरी तरह चुप हैं। समस्तीपुर से सांसद शांभवी चौधरी बिहार में जेडीयू से मंत्री अशोक चौधरी की बेटी हैं और वीणा सिंह के पति दिनेश सिंह जेडीयू के विधायक हैं। चिराग पासवान खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान तो बताते हैं, लेकिन हाल के दिनों में चार अहम मुद्दों पर वो बीजेपी से अलग रुख दिखा चुके हैं। इन सब के पीछे चिराग की मंशा चाहे जो रही हो, उन्हें लेकर भ्रम पैदा हो रहा है और ये भ्रम तब और बढ़ गया जब दिल्ली में चिराग के नाराज चाचा पशुपति कुमार पारस और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई। आरजेडी इसका हवाला देकर बड़ा इशारा दे रही है। चिराग जी जब जब आंख टाइट करते हैं या किसी मुद्दों को लेकर के जब चर्चा करते हैं, इनको आंख दिखाने के लिए इनके चाचा को बुला करके सम्मानित किया जा रहा है, पारस जी को, कि आप ज्यादा टाइट होइएगा तो देख लीजिए हमारे पास विकल्प खुला है। हालांकि चिराग ने एक दिन पहले ही एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा था कि ऐसी चर्चाएं इसलिए फैलाई जा रही क्योंकि ये हमारे विरोधियों को सूट करता है। देखिए, विरोधी तो ये बातें कहेंगे और उनको सूट करती हैं सारी बातें, उनकी राजनीति को सूट करता है। बिहार में तेजस्वी की अगुवाई में चल रहे महागठबंधन में इस वक्त कांग्रेस और लेफ्ट के अलावा मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी शामिल है, जिसके एनडीए में लौटने की अटकलें हैं। अब पूछा जा रहा है कि कहीं इसी वजह से आरजेडी चिराग को भड़काकर काउंटर स्ट्राइक की तैयारी तो नहीं कर रही। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।